नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के इस चैनल पर आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं। युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ पूरा हुआ है, सभी लोगों ने विदा ले ली है। जैसा कि हमने देखा कि दुर्योधन और शकुनी वहां रुक गए हैं। यज्ञ पूरा होने के बाद महर्षि वेदव्यास भी जब वहां से जाने लगते हैं, युधिष्ठिर से कहते हैं, आपृच्छे त्वाम गमिष्यामि पूजितोऽस्मि विषाम्पते। हे विषाम्पति, आपने बहुत ही अच्छे ढंग से आदर सत्कार सम्मान सेवा शुश्रूषा की है, आपके द्वारा पूजित, अब आपकी अनुमति से मैं जाना चाहता हूं। एवं उक्तः सह कृष्णे ने धर्मराजो युधिष्ठिरः। जब कृष्णद्वैपायन व्यास ने ऐसा युधिष्ठिर से पूछा तो युधिष्ठिर कृष्णद्वैपायन व्यास से, महर्षि वेदव्यास से कहते हैं, संशयो द्विपदां श्रेष्ठ ममोत्पन्नः सुदुर्लभः, तस्य नान्योऽस्ति वक्ता वै त्वामृते द्विज पुंगवः। हे द्विज श्रेष्ठ, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हुई है और आपके अलावा और कोई भी इस शंका का निवारण नहीं कर सकता है। स्वाभाविक है कि राजसूय यज्ञ पूरा होने के बाद भी किसी सम्राट के मन में कोई शंका हो या कुछ भय हो या कुछ चिंता हो तो यह विचारणीय बात है। युधिष्ठिर कहते हैं, देवर्षि नारद ने उत्पास त्रिविधान प्राह नारदो भगवान ऋषि, तीन प्रकार के उत्पातों की बात की थी। उन्होंने कहा था स्वार्गिक यानी स्वर्ग से आने वाले, अंतरिक्ष यानी अंतरिक्ष से आने वाले और पृथ्वी, इन तीन प्रकार के उत्पातों की शंका रहती है यज्ञ में। कोई सम्राट बनना चाहे तो इन तीन प्रकार की चुनौतियां या सामना उसको करना पड़ता है। तो ये जो श्री कृष्ण ने शिशुपाल को मार दिया, इससे क्या सारे उत्पात समाप्त हो गए? समझिए, पूरे राजसूय यज्ञ में और कोई विघ्न खड़ा नहीं हुआ, जबकि सबने ये बात कही थी कि राजसूय यज्ञ में बहुत प्रकार के विघ्न आते हैं, एक भी विघ्न खड़ा नहीं हुआ। एक ही विघ्न जो खड़ा हुआ वो शिशुपाल वाला था और उसको कृष्ण ने मार दिया। तो यहां युधिष्ठिर के मन में शंका यह है कि क्या यही पहला और अंतिम उत्पात था, यज्ञ तो पूरा हो गया है, या अभी भी कोई उत्पात मेरे सम्राट पद के बीच में आ सकता है? तब महर्षि वेदव्यास कहते हैं, त्रयोदश समाराजन उत्पाता नाम फलम महत। हे राजन, 13 साल तक इन उत्पातों का एक परंपरा रहती है। जो उत्पात होते हैं उनकी परंपरा 13 साल तक रहती है। अगर हम 13 साल का समय व्यतीत कर लें तो ही इन उत्पातों का समन संभव है। अब चूंकि युधिष्ठिर ने प्रश्न किया था, इसलिए महर्षि वेदव्यास जो त्रिकालज्ञ हैं, उन्होंने यह कह दिया कि त्वमेकम कारणम कृत्वा कालेन भरतर्षभ समेतम पार्थिवम छत्रम क्षयम यास्यति भारत। हे युधिष्ठिर, एक तुमको निमित्त बना करके समय आने पे इस समस्त पृथ्वी के जितने राजा हैं उनका सबका विनाश होगा। देखिए, ये जो बात है ये पूछी नहीं गई थी, युधिष्ठिर का ऐसा कोई प्रश्न नहीं था। लेकिन जब आप प्रश्न करते हैं तो आपकी तैयारी ये चाहिए कि बात आपके अनुकूल भी हो सकती है और आपके प्रतिकूल भी हो सकती है। युधिष्ठिर का प्रश्न था, क्या शिशुपाल के मरने से सारे उत्पातों का समन हो गया है?
लेकिन उसका जवाब यह मिला कि कोई भी उत्पात जो है उनकी असर 13 वर्ष तक रहती है। देखिए राम को भी 14 वर्ष का वनवास इसीलिए मिला था, इन पांडवों को भी 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया गया। ये 13 और 14, ये 12 वर्ष के जो आंकड़े हैं शास्त्रों में, इनका कारण है। इतने दिनों में एक पूरी पीढ़ी, नई जनरेशन आ जाती है और पुरानी जनरेशन जो है वो परिपक्व हो जाती है। नई जनरेशन उस नए राजा, नई उसके साथ में अगर वो ढल जाता है तो फिर कोई भी पुराना व्यक्ति पुनः उन पे आधिपत्य या अपना प्रेम नहीं दिखा सकता है। यही हमारी भारतीय राजनीति में देखा जाता है। कोई भी आता है वो 5 साल से ज्यादा टिकता नहीं है, फिर कांग्रेस का शासन आ जाता है। अगर एक बार कोई शासन 10, 12, 15 साल रुक जाए ना, तो ये कांग्रेस की जो बात है या ये जो परंपरा है, तो ही ये विच्छिन्न हो सकती है, तो ही ये टूट सकती है। नहीं तो 5 साल के शासन से इस परंपरा को तोड़ा नहीं जा सकता है। हम अपने विषय पे आते हैं। युधिष्ठिर ने जो पूछा था, महर्षि वेदव्यास ने उसके साथ उनको ये कह दिया कि भाई आपको निमित्त बना करके तो इस पृथ्वी के समस्त राजाओं का विनाश होने वाला है। युधिष्ठिर चिंता में पड़ गए, महर्षि वेदव्यास तो वहां से विदा हो गए। उन्होंने ये कहा कि आपको स्वप्न में शिव के दर्शन होंगे और ये तो होनी है, होनी को कोई टाल नहीं सकता है। कथम तु दैव शक्येत पौरुषेण प्रसादितुम। अरे भाई, कुछ ना कुछ तो ऐसा रास्ता होगा जो विधि का लिखा हुआ ये विधान कि मेरी वजह से इस पृथ्वी के सभी राजाओं का विनाश होगा, उसको टाला जा सके। अवश्यमेव भविता यदुक्तम परमर्षिणा। वैसे तो ये बात सही है जो ऋषिवर ने कहा है, जो महर्षि वेदव्यास ने कह दिया, वो होना तो है, लेकिन कोई ना कोई इसका उपाय हो सकता है। ऐसा जब वो सोचते हैं, बड़ी चिंता में पड़ जाते हैं, तब अर्जुन उनसे कहता है, महाराजन कश्मलम घोरम प्रविशो बुद्धिनाशनम। अरे इस प्रकार से मन में शोक नहीं करते हैं, इस प्रकार से बहुत विचार नहीं करते हैं, ज्यादा विचार करने से व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। बुद्धिनाशनम, इससे बुद्धि का विनाश हो जाता है। अरे आप राज्य कीजिए, अपने धर्म का पालन कीजिए, जो होना है वो तो होना है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। संप्रधार्य महाराज यत क्षेमम तत् समाचर। मन को शांत कीजिए और जो सबके लिए कल्याणकारी है वो आप कीजिए। तब युधिष्ठिर, विग्रहम दूर तो रक्षन प्रियाण एव समाचरन वाच्यताम च गमिष्यामि लोकेषु मनुजस। अरे इस समाज में, इस संसार में मुझे लोग ये कहेंगे कि मेरी वजह से ये युद्ध हुआ, ये तो कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है। इसलिए मैं आज से निर्णय करता हूं, अद्य प्रभृति भद्रम वह प्रतिज्ञाम में निबोधत न प्रवक्ष्यामि परुषम भ्रातृन अन्यांश पार्थिवान स्थितो निदेशे ज्ञातीनाम योक्षे तत् समुदाहरण। मैं आज ये प्रतिज्ञा कर रहा हूं कि आज से मैं किसी से भी ना प्रवक्ष्यामि नहीं बोलूंगा, परुषम कठोर वाणी का प्रयोग नहीं करूंगा, भ्रातृन अन्यांश पार्थिवान ना अपने भाइयों के साथ और ना ही किसी अन्य राजाओं के साथ। स्थितो निदेशे ज्ञाति नाम, और जो धर्म का आचरण जो ज्ञाति बांधव कहेंगे उनकी निदेशे स्थितोस्मि, उनके कहने में मैं चलूंगा, अपनी तरफ से पूरा ये प्रयत्न करूंगा कि जिससे लोग मेरे ऊपर ये आरोप नहीं लगाएं कि युधिष्ठिर सम्राट बने, लेकिन कैसे सम्राट बने, जिन्होंने इस समस्त पृथ्वी के राजाओं का नरसंहार करवा दिया। यह है सम्राट का उत्तम गुण, यह है राजा का उत्तम गुण। नारद ने इनको उपदेश दिया था, यह है उपदेश का असली परिणाम। इसके साथ एक बात और मित्र आपसे कहना चाहता हूं, देखिए भविष्य का ज्ञान होना व्यक्ति के लिए कितना खतरनाक है। महर्षि वेदव्यास के पास से जैसे ही युधिष्ठिर को अपने भविष्य के बारे में यह बात मालूम पड़ी है, वैसे ही इनके सारे क्रियाकलाप
बदल जाते हैं, इनके हाव भाव, इनके विचार, सारी चीजें बदल जाती हैं। जो सम्राट के गुण हैं वो कुछ दयनीय प्रकार के गुण हो जाते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि परिणाम को बदला नहीं जा सका, परिणाम को कोई नहीं बदल पाया, चाहे वो सम्राट के रूप में रहे होते या उन्होंने सम्राट से हट करके कुछ इस प्रकार के गुणों का व्यवहार किया, लेकिन होनी को बदला नहीं जा सकता है। इसलिए मित्रों आपसे कहता हूं, बहुत जन्मपत्री बताने के इसके सबके चक्कर में व्यक्तियों को नहीं रहना चाहिए। ज्योतिष का ज्ञान सीमित अच्छा होता है, ऊपर वाले को कुछ अच्छा लगा है, वो हमसे ज़्यादा बुद्धिमान है, वो हमसे ज़्यादा समझदार है, वो हमारा नियंता है, उसने हमें इसीलिए हमारा भविष्य नहीं बताया है क्योंकि भविष्य जानना हमारे लिए हित में नहीं है। धन्यवाद मित्रों, आपको बात अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मित्रों तक पहुंचाइए। महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं चल रही हैं, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। धन्यवाद।